फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। आज मेरे साथ एक सब्सक्राइबर आरू मिश्रा ने मुझे पूछा था सर, और बताया था कि इस पे वीडियो बनाइए कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी या कोई भी फाइनेंस कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं और जब ट्रेनिंग पीरियड होता है तो कैसे काम करना है, ज्वाइनिंग के बाद कैसे काम करना है। तो इसी विषय पे आज मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में कि आप जब ज्वाइन करते हैं फाइनेंस कंपनी और आप जब ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं तो कैसे काम करें। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्टार्टिंग में जब जाएंगे, ज्वाइनिंग पीरियड में जब जाएंगे, तो आपको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। कोई जो ओल्ड फाइनेंसर होगा या जो सीनियर फाइनेंसर होगा उसके अंडर आपको रह के काम करना है, उसके काम सीखना है कि वो कैसे काम करता है, कैसे फाइलें बनाता है, कैसे साइन करता है, कैसे फील्ड पे जाता है, ये सब आपको उससे सीखना पड़ेगा। साथ साथ अपना स्किल भी डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ जा रहे हैं तो उसी के साथ जो बोल रहा है वही करना, ऐसा नहीं। वो जो सीनियर है वो बोल रहा है वो कर रहा है वो तो करो, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी स्किल डेवलप करो। आप जब भी उनके साथ जाएंगे मार्केट में जाएं, वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बोल देगा जाओ उनसे फाइल साइन करा के ले आओ, जाओ वहां से कलेक्शन उठा के ले आओ। तो आपको जाना है और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी वहां दे देना है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप जब फील्ड पर निकलोगे मेहनत तो आपकी रहेगी, मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, वो तो अपना काम आपसे करवाएगा। ठीक है, भले वो ज्वाइनिंग पीरियड में आपको काम सिखा रहा है लेकिन वो अपना मतलब आपसे निकालेगा। तो आपको जाना है तो अपना स्किल डेवलप करना है, अपना मार्केट डेवलप करना है। तो आपको जहां जहां भेजा जाएगा वगैरह साथ जाएगा तो कोई बात अलग बात है। अगर वो ज्यादातर आपको बोलेगा कि जाओ फाइल साइन करा कर ले आओ, तो आपको जाना है वहां पर, अपना पर्सनल नंबर देना है और साथ साथ जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जगह आप फाइनेंस में जा रहे हैं या फाइल साइन करने जा रहे हैं या फिर जो कार लेने वाला है, गाड़ी लेने वाला है, उससे मिलने जा रहे हैं, तो आप अपना नंबर भी वहां पर देना। प्लस हर दुकान, हर कार शोरूम में अपना नंबर छोड़ के आना। जी हाँ, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड में आपको हर डीलरशिप पॉइंट में जहाँ जहाँ कार बिकती है, जहाँ जहाँ लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर आप जाके सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिलना और अपना नंबर छोड़ के आना और उनसे हर 2-3 दिन में मिलते रहना। ये इससे क्या होगा, आपका नंबर सर्कुलेट हो जाएगा, आदमी आपको पहचान जाएगा, जिससे आपको जब फाइल करना का एकदम जब बारी आया कि आप फाइल करिए बोल के, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आदमी के पास आपका नंबर रहेगा, जैसे उसके पास कुछ नया केस आता है डीलरशिप पॉइंट के पास वाले पास, तो आपको फोन करेगा कि ये केस आया है, आप करेंगे क्या। तो आपको उस मौके का फायदा उठाना है और वो केस करना है। इससे आपको केस बनेगा, आपका मार्केट वैल्यू बनेगा, आपका फोन नंबर पूरे मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा। आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही, 2-3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें आपको कम से कम अपना मोबाइल नंबर हर जगह सर्कुलेट कर लेना, हर फील्ड देख लेना है, जहां जहां फाइनेंसर जाता है, किस एरिया में ज्यादा फाइनेंस हो रहा है, किस होता क्या है कि पर्टिकुलर एक एरिया में अगर फाइनेंस हुआ तो वहां पर कम से कम 10 गाड़ी और फाइनेंस होगा। तो आपको उस एरिया में अपना वो मोबाइल नंबर सर्कुलेट कर देना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, ताकि जब भी फाइनेंस अगला हो तो वो आदमी उनको छोड़ के आपको फाइनेंस दे। और उनसे व्यवहार भी इतना अच्छा बनाना है ताकि आपसे व्यवहार से इतना खुश हो जाए कि आपको जब भी वो नया केस करे या नया कुछ करे, वो आपसे फाइल कराए, आपको एक केस दे, इससे आपका फाइल बढ़ेगा, आपका ग्रोथ बढ़ेगा। और ट्रेनिंग पीरियड में आपको बताया जाएगा कि कैसे फाइल को साइन कराते हैं, क्योंकि फाइल साइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज, एक एक डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ता है, उनका पूरा बायोडाटा लेना पड़ता है, उनका पूरा जितने भी RC इंश्योरेंस होता है, RTO काम भी आपको करवाना पड़ता है। RTO काम भी आप करवाएंगे तो एक पर्टिकुलर RTO को आप पकड़ लीजिएगा जो आपका काम कर सके आपको, क्योंकि कस्टमर RTO काम ज़्यादा नहीं करता है, तो वो आपको ही बोलेगा कि सर आप ही मेरा RTO काम करा दीजिए। तो एक पर्टिकुलर जो RTO होगा, जो आपके सीनियर भी करते होंगे, उसी RTO के पास भी अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। जो भी आप गाड़ी का रिफाइनेंस में, अधिकतर क्या होता है रिफाइनेंस में कि RTO काम लगता ही लगता है गाड़ी का, ये दुनिया भर के पेपर्स रहते हैं, उसको रिफाइनेंस के लिए RTO काम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो एक RTO का नंबर भी, अच्छा RTO जो होगा उसका नंबर आप रख लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में जब फाइल करें, पुरानी रिफाइनेंस करें, तो आपको RTO का काम इजी लेवल पर आपका काम हो जाए। इस प्रकार ट्रेनिंग पीरियड में आपको हर काम सीख लेना है, कुछ भी हो आपको हर काम सीख लेना है, अपना मार्केट बना लेना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ उन किसी के अंडर काम करें और कुछ सीख ना पाए। जितना हो सके वो 100 बताए तो आप 200 गुना उससे ज़्यादा सीख लीजिए। आप उसको, आप इतने मैच्योर हो जाओ कि जब आपका टाइम आए तो आप
चुटकी बजाते हुए काम कर लो। जी हाँ दोस्तों, चुटकी बजाते हुए आप काम कर लो और आपको कंपनी में बहुत जल्दी प्रमोशन मिले, बहुत जल्दी आप ऑन रोल हो जाओ, आपकी सैलरी बढ़ने लगे और आपका इंसेंटिव भी जल्दी आ जाए। जब पैसा दबा के जब आपके पास आएगा तो काम करने का इच्छा भी होगा और आपको काम करने में मजा भी आएगा और आप चार पैसे में, दो पैसे के लोग बात करते हैं, मैं बोलता हूँ आप चार पैसे कमा पाओगे। और इसके साथ साथ सेकंड हैंड गाड़ी के भी जितने भी डीलर जो ब्रोकर लोग हैं जो सेकंड हैंड गाड़ी में डील करते हैं उनके नंबर भी रख लेना, ताकि आपको कभी गाड़ी में आप फील्ड पर जाएंगे तो आपको रिक्वायरमेंट आएगी कि सेकंड हैंड गाड़ी मेरे को चाहिए, कोई बोलेगा सेकंड हैंड गाड़ी बेचना है, तो इस चीज का लाभ उठाना और सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी बिक्री में भी ध्यान देना। ये बात कंपनी को मत बताना, लेकिन ये बात कि सेकंड हैंड गाड़ी में हम डील करते हैं, बताएंगे कुछ होगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं, खत्म बात है, उनका काम आप सही से करके दे रहे हैं, लेकिन आप ये बात को अपने प्राइवेटली रखना और सेकंड हैंड गाड़ी में डील करना, उसमें आपको बहुत पैसा बचने वाला है। इस प्रकार आप ट्रेनिंग पीरियड में जब आप निकलेंगे 3 महीने बाद, तो एक मैच्योर एक अच्छे फाइनेंसर बनकर निकलेंगे। दोस्तों मेरी बात मानिए, आप ट्रेनिंग पीरियड में ही वो 3 महीने में ही आपको प्रॉपर इतना ज्ञान कर लेना है कि आपको 5 साल का ज्ञान जो होता है वो आपको 3 महीने में अचीव कर लेना है इतना। और 3 महीने में तो कम से कम आप कुछ भी मत कीजिएगा, 3 महीने सिर्फ और सिर्फ काम कीजिएगा, संडे होगा तो भी आप छुट्टी मत कीजिएगा, संडे को भी आप फील्ड पर निकलिएगा, अपना नंबर बाजार हो गया, हाट हो गया, डीलरशिप पॉइंट हो गया, हर जगह अपने नंबर बांटिएगा अपने, ताकि आपको जब केस करने का टाइम आए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस चीज के लिए मुझे एक राहुल मिश्रा जी हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा था कि सर ट्रेनिंग पीरियड में ज्वाइन के बाद कैसे काम करना है। तो ट्रेनिंग पीरियड ज्वाइन के बाद में आपको सिर्फ मेहनत करना है, 12-12 घंटा काम करना है, 3-4 महीने बस दे दीजिए दोस्तों बोलता हूँ, उसके बाद आपको कैसे सब कुछ आपको बहुत आराम से और बहुत ईजी मिलेंगे आपको। तो आप बस 3 महीने मेहनत कीजिएगा, अपना नंबर एक बार आपका नंबर सर्कुलेट हो गया पूरे एरिया वाइज में, पूरे हर जगह जहाँ जहाँ गाड़ी खरीदी बिक्री होती है, जहाँ जहाँ फाइनेंस की जरूरत होती है, तो उसके बाद आपको उसके बैठ के काम करना है। जी हाँ, ऑफिस में बैठेंगे या घर में बैठ जाना या कहीं भी बैठ जाना, आपको फोन से ही आज की डेट में आपको केसेस मिलेंगे। बस अगर आपको फाइल साइन कराना है, सबमिट करना है, तनख्वाह लेना है, इंसेंटिव लेना है और अपनी जिंदगी बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और मैं एक नया टॉपिक भी दीजिएगा फाइनेंस से संबंधित, और फाइनेंस में आपको क्या जानना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।